हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए एक मैप लेकर आया हूँ जिसका साइज़ है आपका 30 फीट बाय 58 फीट, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी जो फ्रंट है वो आपको 30 फीट देखने के लिए मिल जाता है और जो इसकी गहराई है वो आपको 58 फीट देखने के लिए मिल जाती है। जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 2 BHK सेट, 2 बेडरूम का सेट है। तो इसको देखते हैं इसमें आपको और क्या क्या दिया गया है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी अपना मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये रहा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। एक मैप को बनाने के लिए आपका 2000 से 3000 तक का चार्ज आता है, वो आपको पे करना होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। मेन गेट से आप अंदर एंट्री करते हैं तो ये आपको पार्किंग एरिया देखने के लिए मिल जाता है। 14 फीट 1 इंच बाय 15 फीट का ये आपका पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आपकी कार और बाइक आराम से पार्क हो जाएगी। पार्किंग एरिया के आप राइट हैंड साइड पर देखते हैं तो आपको ये ड्राइंग रूम देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 2 डोर दिए गए हैं। फर्स्ट डोर आपका ये रहा जो बाहर से है फ्रंट से, और आपका सेकंड डोर अंदर लॉबी से आपको दिया गया है। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 14 फीट 1 इंच बाय 14 फीट 8 इंच, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 14 फीट 1 इंच है और जो इसकी गहराई है वो 14 फीट 8 इंच है। इसी के साथ अगर बात करें इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपको विंडो भी दे दी है। यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा और ये आपके जो सोफे हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और सामने आपका टीवी पैनल आराम से आ जाएगा। अब अंदर चलते हैं। आप चाहें तो ड्राइंग रूम से भी अंदर जा सकते हैं, ये डोर आपको दिया गया है। वैसे आपको पोर्च से भी एक मेन डोर दिया गया है, ये रहा, आप इससे भी अंदर आ सकते हैं। अंदर आते ही आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर लॉबी। लॉबी का साइज़ है आपका 18 फीट बाय 20 फीट। 18 फीट इसकी चौड़ाई है और जो 20 फीट है वो इसकी गहराई है। इसी के साथ आप इधर देखते हैं तो आपको स्टेयरकेस देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका 3 फीट का है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और आप ऐसे घूम करके अपना फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ बीच में सोफ़ा देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आगे आपको देखने के लिए मिल जाती है डाइनिंग टेबल। अब इधर देखते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग रूम के बाद आपको KIT, यानी कि जो आपकी ये रही KIT, ये आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस डोर से आप अंदर एंट्री करते हैं तो आप KIT में आ जाते हैं। इसका साइज़ है आपका 10 फीट 2 इंच बाय 10 फीट, यानी कि 10 फीट 2 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी गहराई है वो भी आपकी 10 फीट आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ आपको 2 फीट का इसमें स्लेब भी दिया गया है। बात करें अगर हम इसकी वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी गई है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं तो ये आपको 4 फीट एरिया आप बीच में देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल ओपन रहेगा। यहाँ पर आपकी वॉश बेसिन आराम से आ सकती है। इसके आगे देखते हैं आप तो आपको टॉयलेट देखने के लिए मिल जाती है। टॉयलेट के लिए आपको ये डोर दिया गया है जिसका साइज़ है आपका 2.5 फीट। इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं टॉयलेट में, 10 फीट 2 इंच बाय 5 फीट की आपको टॉयलेट देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ये देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आपके 2 बेडरूम हैं। फर्स्ट बेडरूम में आप 3.5 फीट के डोर से अंदर एंट्री करते हैं, 14 फीट 1 इंच 12 फीट 9 इंच का ये आपको फर्स्ट बेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका बेड है और सामने आपका टीवी रखा है, ये आपका पूरा बेडरूम है। 14 फीट 1 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी गहराई है वो 12 फीट 9 इंच है। बात करें अगर हम इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए आपको यहाँ पर विंडो भी दे दी गई है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। इस बेडरूम में आपको 3 डोर देखने के लिए मिलते हैं। जो आपका पहला डोर है वो आपको बेडरूम में अंदर एंट्री के लिए, इस डोर से आप अंदर आएंगे तो ये है, और जो दूसरा डोर है वो आप ओपन एरिया में जाएंगे तो उसके लिए आपको दिया गया है, और तीसरा डोर आपको इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट है उसके लिए देखने के लिए मिल जाता है। इस बेडरूम में ये अटैच टॉयलेट है, इस डोर से आप अंदर एंट्री करते हैं, 6 फीट 3 इंच बाय 7 फीट 8 इंच की आपकी टॉयलेट है और यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। ये टॉयलेट आपको बेडरूम में देखने के लिए मिलती है, सॉरी बेडरूम से अटैच है आपकी। इधर देखते हैं आप, ये आपका सेकंड बेडरूम है। 3.5 फीट के डोर से आप इसमें अंदर एंट्री करते हैं, 14 फीट 1 इंच बाय 12 फीट 9 इंच के आपको देखने के लिए मिल जाती है। इससे भी अटैच आपको टॉयलेट देखने के लिए मिल जाती है और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी दे दी गई है। जैसे ये बेडरूम है ऐसे ही सेकेंड बेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये आपका ओपन एरिया है, आप इसे वॉशिंग एरिया भी बोल सकते हैं, चाहे आप चाहें तो इसे ओपन एरिया भी बोल सकते हैं। तो 30 बाय 58 का ये आपका प्लान था। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आपका प्लॉट साइज़ यही है और आपकी रिक्वायरमेंट भी यही है तो आप इस मैप को यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना मैप बनवाना चाहते हैं तो आप अपना मैप हमसे बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये रहा, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।